आपका स्वागत है। अभी हम अभी देखेंगे कि अपना जो प्रोसेस इंडिकेटर है MI-141R, उसे नॉन कॉन्टैक्ट टेम्परेचर सेंसर कैसे लगाते हैं और वो यूज़ कैसे करते हैं। ये नॉन कॉन्टैक्ट टेम्परेचर सेंसर है और यहाँ पे उसके टर्मिनल्स दिए हुए हैं, वो कैसे करेंगे अभी देखेंगे हम। जो रेड वायर है वो रेड वायर हमें लगानी है। सेंसर के दो वायर है, एक रेड एंड दूसरा ब्लैक। जो रेड वायर है वो 15 नंबर टर्मिनल को हमें लगाना है और जो ब्लैक वायर है वो मिली एम्पियर प्लस 9 नंबर टर्मिनल को लगाना है। टर्मिनल नंबर 10 यानी मिली एम्पियर माइनस एंड निगेटिव यानी टर्मिनल नंबर 16, ये दोनों को हमें शॉर्ट करना है। अभी आप देखेंगे ये कनेक्शन कैसे किया है। यहाँ पे सप्लाई की वायर है फेज न्यूट्रल और यहाँ पे सेंसर का कनेक्शन है। ये इंडिकेटर है, इसमें चार स्विच दिए हुए हैं। पहला जो है मेनू सेटिंग के लिए यूज होता है, दूसरा जो है डिजिट शिफ्ट होने के लिए यूज होता है, तीसरा जो है डिजिट इंक्रीमेंट होने के लिए यूज होता है और चौथा जो है वो मेनू सेटिंग सेव करने के लिए यूज होता है। अभी हम देखेंगे कि कैसे मेनू सेटिंग करते हैं। पहले एन स्विच दबाना है और फिर सप्लाई ऑफ करना है। अभी हम सप्लाई ऑन करेंगे, एन स्विच छोड़ना नहीं है, डिस्प्ले पे आएगा MI। इसके बाद जो मेनू आएगा वो आईपी यानी इनपुट, ये आइदर 4 to 20 होता है या 0 to 10 होता है। हम नॉन कॉन्टैक्ट टेम्परेचर सेंसर यूज़ करते हैं तो उसका रहता है 4 to 20 मिली एम्पियर, तो हमें सेट करना है 4 to 20 मिली एम्पियर। अभी फिर से हमें एम स्विच दबाना है, डिस्प्ले पे आएगा RES। RES का मतलब है रिस्पांस, वो हमें रिस्पांस टाइम हम सेट कर सकते हैं 1 to 9 तक, तो अभी हमें सेट करना है 5, यानी रिस्पांस टाइम ज़्यादा भी सेट करना ज़रूरी नहीं है, 5 सेट करना है। अभी ई स्विच दबा के हमें ये मेनू सेटिंग से बाहर आना है। अभी हम देखेंगे जो जिसमें हमें फुल स्केल जीरो सेटिंग कैसे करना है, रिले सेटिंग कैसे करना है वो देखेंगे। पहले एम स्विच दबाना पड़ेगा आपको 3 सेकंड्स तक, डिस्प्ले पे आएगा FS। FS का मतलब है फुल स्केल, वो हमें 500 डालना पड़ेगा यहाँ पे शिफ्ट एंड इंक्रीमेंट स्विच से, क्योंकि हमारा जो नॉन कॉन्टैक्ट टेम्परेचर सेंसर है वो 500 डिग्री का है, तो हमें फुल स्केल भी यहाँ पे 500 डालना पड़ेगा। इसके बाद का जो मेनू है वो है डॉट यानी डेसिमल पॉइंट सेटिंग, हमें डेसिमल में रीडिंग चाहिए तो हम यहाँ पे जो हमारा डेसिमल पॉइंट है वो शिफ्ट कर सकते हैं। अभी हमें डेसिमल पॉइंट की ज़रूरत नहीं, तो हमें वो लास्ट डिजिट को लेके जाना है। अभी फिर से हमें एम स्विच दबाना है, डिस्प्ले पे आएगा 0 यानी 4 मिली एम्पियर को हमें कौन सा वैल्यू रखना है वो यहाँ पे हम डाल सकते हैं। तो अभी आप भी यहाँ पे है 0 0 0, यहाँ पे आपको जो वैल्यू डालना है वो आप डाल सकते हैं, लेकिन अभी हम नॉन कॉन्टैक्ट टेम्परेचर सेंसर यूज करते हैं तो उसका जो रेंज है 0 to 500 डिग्री, तो हमें 4 मिली एम्पियर को हमें 0 ही रखना है। अभी फिर से हमें एम स्विच दबाना है, डिस्प्ले पे आएगा RLY। RLY का मतलब है रिले सेटिंग, हमें कहाँ पे बजर लगाना है या हीटर लगाना है तो वो सेटिंग के लिए हम यहाँ पे करना है। अभी हम रिले सेटिंग की वैल्यू चेंज करेंगे। अभी सपोज हमें रिले बजाना है 28 को, तो हम यहाँ पे डालेंगे। फिर से हमें एम स्विच दबाना है, ये आएगा हिस्टेरेसिस। ये हिस्टेरेसिस में मेनू में हमें हिस्टेरेसिस डालना है। हिस्टेरेसिस का मतलब ऐसा होता है जो हमने रिले का सेट वैल्यू रखा है वो माइनस हिस्टेरेसिस, यानी तभी वो रिले ऑफ हो जाएगा। सपोज हम अभी यहाँ पे सपोज हमने
वैल्यू रखा है 1 और हमने रिले सेट वैल्यू रखा था 28, 28 माइनस 1 27 को वो रिले ऑफ होगा और रिले ऑन होगा 28 को। अभी ई स्विच दबा के हमें बाहर आना है, यानी हमारा मेनू सेटिंग हो गया। ये ई स्विच मेनू जो हमने सेट किए हैं वो सेव करने के लिए यूज़ होता है और मेनू से बाहर आने के लिए यूज़ होता है।